मैं एयर वेटरन सारकी शाख्या आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा टेल्स में स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृष्णा टेल्स। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और हिट कीजिए बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। इस चैनल्स में हम आपको ऐसे दुर्लभ प्रजाति के वनस्पतियां, पेड़ पौधों के बारे में दिखाते रहेंगे जो विलुप्त होती जा रही हैं, और इसके लिए मैं वन विभाग के कर्मचारियों को की प्रशंसा करता हूँ और उन्हें सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने ये दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ों को अभी तक जीवित रखा है, नहीं तो ये कब के विलुप्त हो गए। तो इस संसार में बहुत सारे खूबसूरत एवं मनमोहक फूल देखने को मिल जाते हैं, गुड़हल, गुलमोहर, जारूल इत्यादि। इनमें से कुछ फूल ऐसे दुर्लभ होते हैं जो कहीं दूर जाकर के ढूंढने पर मिलते हैं। ऐसे ही एक दुर्लभ फूल की खोज में निकला था और वो मेरी खोज शेखा झील में आकर के पूरी हुई। यहाँ पर कमल के फूलों से सुसज्जित झील को देखा। इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगा कि इसको अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसा लूं। बस क्या था, मैं झील में नीचे उतर गया, कैमरे से वीडियो शूट किया, लेकिन सोचा कि अन्य लोगों को इस दृश्य का लाभ कैसे उठा पाएंगे, इसलिए मैंने उसे अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा टेल्स पर अपलोड कर दिया। देखिए झील में ये कमल के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। फूलों का रंग तीन तरह का होता है, नीला, लाल, सफेद। यहाँ पर ये सारे फूल रेड कलर के हैं। गहरे हरे रंग के गोल पत्ते पूरी झील में अपनी मनोरम छटा को बिखेर रहे हैं। पत्ते बड़े होने के कारण इनका प्रयोग कहीं कहीं पर पत्तल के रूप में किया जाता है। अब आपको कमल के नामों के बारे में बताते हैं। अंग्रेजी में इसको लोटस फ्लावर कहते हैं, हिंदी में कमल तथा संस्कृत में बारिश, अंबुज, कोकोनट, कुगलय, कंज, सरोज कहते हैं। छोटे फूलों के पौधों को कमलिनी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये भारत का राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ये कहाँ पैदा होता है इसके बारे में, कमल को झील तथा तालाबों में ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये कीचड़ में खिलता है, अतः वहाँ की मिट्टी चिकनी तथा दलदली होनी चाहिए। कहीं कहीं पर लोग फूलों एवं पत्तों का व्यवसाय के रूप में खेती करते हैं। इसकी जड़ को कमल ककड़ी या कमल नाल, हिंदी में भसीड़े कहते हैं, जो कि सब्जी मार्केट में सब्जी के रूप में बिकती है। कमल ककड़ी का उपयोग एवं बीज का उपयोग आगे बताएंगे। कमल का फूल कमल कीचड़ में पैदा होता है, फिर भी एक पवित्र फूल है जो पूजा में प्रयोग होता है। लक्ष्मी की पूजा कमल के फूल से करने से लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। विष्णु के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल के फूल होते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से कमल के फूल की उत्पत्ति हुई और उसमें लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। इस प्रकार लक्ष्मी को ब्रह्मा की पुत्री कहते हैं। कमल के बीजों से मखाना बनता है जो पवित्र होता है, पूजा में प्रयोग होता है। यह कमल ककड़ी है जिसे मैंने जमीन से निकाला है, तथा ये कमल की जड़ है जिसमें ऊपर से कमल ककड़ी काट ली गई है, तथा ये कमल का फल जिसमें बीज निकलते हैं जिसको भूनने से मखाना बनता है। अब दोनों के गुणों के बारे में बताता हूँ। नंबर एक, एंटीऑक्सीडेंट होता है। नंबर दो, डायबिटीज को दूर करता है। नंबर तीन, बीपी को कंट्रोल करता है। नंबर चार, नींद न आने की बीमारी को ठीक करता है। नंबर पाँच, अवसाद, डिप्रेशन की बीमारी को ठीक करता है। किडनी की समस्या को दूर करता है। एनर्जी प्रदान करता है। घुटनों तथा कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द में लाभदायी दवा है। शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। एंटी एजिंग एजेंट का काम करता है। झुर्रियों को दूर करता है। दस्त व पेचिश में मखाना देसी घी में भून कर खाने से आराम मिलता है। दिल को ठीक रखता है। फिटनेस को ठीक करता है और स्फूर्ति लाता है। कमल ककड़ी को कच्चा नहीं खाना चाहिए, इसकी सब्जी बनाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि कच्चा खाने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डर है, तथा मखाना को कैसे भी खा सकते हैं जो बहुत उपयोगी होता है। आशा है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you watching for my video.